राष्ट्रपति डॉक्टर पाराशर इनके अस्पताल में आया हूँ। मतलब मैं कल ही आया हूँ, कल सब अस्पताल बंद हो चुका था, फिर भी डॉक्टर साहब ने मुझे उनके घर पे बुलाया और घर पे एक सेटिंग की और आज मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में ही रुका हूँ और अपनी इलाज के लिए आया हूँ। मुझे इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आया है। मैं 2016 में यहाँ आया था अपने खुद के इलाज के लिए, जब मेरा राइट हैंड राइट शोल्डर फ्रोजन हुआ था और पार्लियामेंट के समय मुझे इतनी तकलीफ होती थी, तो पार्लियामेंट में ही मुझे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान इन्होंने बताया, तो आप एक काम करो जोधपुर जाके आओ। डॉक्टर साहब से बात करने के बाद या कि गजेंद्र सिंह शेखावत इनके साथ मैं यहाँ पे आया और डॉक्टर साहब के पास आने के बाद भी लगभग 4 महीने से मुझे इतनी सारी तकलीफ थी, बहुत सारे अस्पताल घूम कर आया था, मुझे कोई इलाज नहीं हो रहा था। या आने के बाद में 2 ही दिन में मुझे 100% मेरा शोल्डर क्लियर हो गया। उसके बाद में मैंने अपने संसद क्षेत्र में अपने कार्य क्षेत्र में मैंने बहुत सारे पेशेंट जिनको बैक पेन है, जिनको कमर का दर्द है, जिनको नेक्स पेन है, जिनको पार्ट हाथ का शोल्डर का पेन है, जो कुछ भी पेन होगा या स्लिप डिश होगा, ऐसे बहुत सारे पेशेंट मैंने बम्बई भी भेजे। और ज़्यादा तकलीफ वाले अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और तुरंत ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला है, ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट मैंने यहाँ भेजे हैं कमर के दर्द के या पेन के लिए, तो उनका पूरा इलाज 100% और ठीक हो गए, उनको ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़ी। और मेन इम्पोर्टेंट बात यह है, लगभग मैं 25 साल से मेरे गुरु महाराज हैं जिन्होंने अपने वाणी से 18 लैंग्वेज में गीता लिखी है, स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज इन्होंने यथार्थ गीता लिखी है। जब उनको उनके नी प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर ने बताया तो आपको ये ऑपरेशन करना या एक तो रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी है, अगर इसे अगर आप लेट करोगे तो ज़िंदगी में आप चल नहीं पाओगे, ऐसी पोजीशन हो जाएगी। फिर सारे उनके जितने महापुरुष भक्त थे, संत थे, संतों ने बताया, पर हमारे स्वामी जी बोले तो मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक मैं अपना रिप्लेसमेंट नहीं करूँगा या ऑपरेशन नहीं करूँगा। तो सब लोगों ने मुझे फ़ोन किया और रहते उत्तर प्रदेश में चुनार के पास में छत्तीसगढ़ करके उनका आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ पे, वैसे तो लगभग देश भर में सारे आश्रम हैं, महापुरुष हैं। तो उन्होंने मैंने फ़ोन किया उन्हें, तो उन्होंने बताया तो मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। मैंने फ़ोन पर उनको वही बात बताई, स्वामी जी आप ऑपरेशन मत करो, वही बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है, मैं ऐसी जगह आपको लेके जाता हूँ, ऐसे डॉक्टर आपके पास लेके आता हूँ, तो आपको गोली दवा किसी की भी ज़रूरत ना पड़े और 2 दिन के अंदर आपका घुटने का जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। तो बोले आ जाइए आप कीजिए वैसा। जब डॉक्टर साहब बम्बई आए थे 3 दिन के लिए, तो मैंने बड़े डॉक्टर साहब से बालाश्वर साहब से बात किया, तो उन्होंने बोला आप आ जाइए राणा साहब, अपन जाएंगे वहाँ पे। तो उस दिन उनको बहुत बिजी थे उस समय, मुंबई के माननीय अभी हमारे जो मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे साहब, उनके घर पे उनके वाइफ के इलाज के लिए वो गए थे, तो उनको समय नहीं मिला। तो मैं उनके बेटे गिरिराज डॉक्टर को लेके आश्रम पहुंचा, इन्होंने उनका एक 15 मिनट तक उनका मसाज करवाया और स्वामी जी को लगभग 30-35% उनको वही आराम मिल गया। उसके बाद में हम लोग कुछ मिल नहीं पाए। फिर बाद में जब हमारे स्वामी जी सालासर बालाजी हुआ, उनका एक आश्रम है, वो आश्रम में गए थे, वहाँ से आते वक्त जोधपुर से उनको दिल्ली जाना था, तो यहाँ से एयरपोर्ट से जाने के लिए जब जा रहे थे तो उन्होंने बोला हम जोधपुर आए हों तो चलो हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे। डॉक्टर साहब के पास गए, खुद बड़े डॉक्टर साहब ने उनका मसाज कराया, तो लगभग 3 साल हो गए अभी तक स्वामी जी को कुछ भी पेन नहीं। और उसी कारण मैं आ जाया हूँ, मुझे बहुत सारे पेशेंट पूछ रहे थे आप इसके पहले भी आए हैं क्या, मैंने बताया मैं आया हूँ 2-3 बार आया हूँ, तो बोलता हमारा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैं बोला आप 3 दिन रुकिए, कुछ भी टेंशन मत लीजिए, 100% ठीक होकर ही आप जाओगे ऐसे, और वैसे पेशेंट आने वाला पेशेंट ठीक होकर ही जाता है। डॉक्टर गुरदास लाल जी पाराशर, इनके वहाँ मैंने अपने परिवार का और परिवार के साथ में मैं आज भी अपना इलाज करवाने के लिए आया था, उस समय भी मैंने आपको वही लिया था, आज इलाज खत्म करके मैं अपने घर जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। जो मुझे दर्द था 100% मेरा दर्द क्लियर हुआ है और क्लियर होकर मैं खुशी के साथ जा रहा हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं है कोई VIP पेशेंट और कोई बड़ा आदमी आए तो उसी के लिए डॉक्टर साहब अच्छा काम करेंगे, ऐसा नहीं। जो 7 साल के तजुर्बा मुझे है, जो मैंने अपने क्षेत्र से किसी गरीब आदमी को भेजा जिसकी अपने आने के लिए भी उसकी परिस्थिति नहीं थी, ऐसे लोगों को भेजा, उन्होंने उन लोगों के लिए भी काम किया है,
इनका एक ही फर्ज एक ही काम है, ये पैसों के लिए काम नहीं करते। आज के कलयुग के ये सचमुच के ये भगवान ही कृष्ण है और ऐसा काम ये कर रहे हैं। मैं आज इनको बहुत बहुत बधाई देके जा रहा हूँ। जो देश के अंदर जो ऐसे काम करने वाले डॉक्टर मैंने देखे है, और आज पहली बार मैंने जो देखा है भगवान के रूप में डॉक्टर गिरधरलाल भी पाराशर, इन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा इनके साथ बात करता हूँ, और ये हमेशा किसी गरीब अगर पेशेंट को ही भेजा तो भी उनको वही सर्विस देते हैं जो मुझे देते हैं, और कभी भी पैसों के लिए ये काम नहीं करते। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है।